चंदन बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं जो व्याकरण विधि है उसके अंतर्गत व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि बच्चों आप सब जानते हैं कि इसके पहले भी मैंने आपको संधि पढ़ाई है, तो जो अलग अलग संधि हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। चलिए आइए पढ़ते हैं हम व्यंजन संधि को। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है व्यंजन संधि। ये हमने आपको पहले पढ़ाया था। इसको कहते हैं हल संधि। कौन सी संधि कहते हैं? हल संधि। अब ध्यान से समझिए कि व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वह व्यंजन संधि कही जाती है। व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में, ठीक है, जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है उसको व्यंजन संधि वह कही जाती है। आप पहला देखिए, इसमें दिया जो सूत्र दिए हैं, शचुत्व शचुना शुचि ही, ठीक है ना, ये सूत्र दिए हैं आपके उसमें। अब क्या है देखिए, सा या ता वर्ग, तो ता वर्ग ता था द ध न, ठीक है, ये दिए हैं। का शा या चा वर्ग। अब चा वर्ग क्या? चा छ ज झा ज्ञा के साथ आगे या पीछे योग होने पर, तो जो जो सा है ये सरोते वाला सा है ना, और शा शक्कर वाला शा, तथा ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। सा का शा और ता वर्ग का चा वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण समझते हैं, उदाहरण देखिएगा आप। और जैसे कि मैंने बार बार कहा कि आपको ये उदाहरण आते हैं या तो शब्द दे दिए जाते हैं तो आपको विग्रह करना पड़ता है, या विग्रह दे दिया जाता है तो आपको ये पूरा क्या करना पड़ता है, पूरे शब्द लिखने होते हैं। तो जैसे रीत दिया है, मनस चलती, मनस धन चलती। अब देखिए इसमें जो दिया है सा धन च, ठीक है ना, श शट, तो ये जो बना बराबर शट, तो क्या है यहां पर क्या आ गया, मनस चलती। शब्द क्या बन गया? मनस चलती। ये लगा ना, मनस लगा ना, सा धन च बराबर शट, तो क्या आ गया यहाँ पे, मनस चलती। आप देखिए यहाँ पर है रामस धन शेते, अब यहाँ पे क्या लगा, सा धन शा शश, ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा, रामस शेते, क्या आएगा वो शब्द बना, रामस शेते। फिर है मनस धन चंचला, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, सा धन चा धन शच, तो यहाँ पर ये लगा ना शब्द, मनस चंचलम, ये बन गया शब्द। इसी प्रकार हरिश धन शेते, तो यहाँ पर देखिए शा का क्या हुआ है, शा, तो ये बना शश, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हरिश शेते। अब हम पढ़ेंगे जो उदाहरण पढ़ेंगे वो ता का चावर्ग में। अब इसके उदाहरण पढ़ते हैं, देखिए कौन से हैं। जैसे दी है सत धन चित, तो ता धन चा, तो क्या बना, चच, ये है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, सचित। सत धन चरित्रम, क्या आया, ता धन चा चुच, तो सच्चरितम, क्या आया, सच्चरितम। फिर दिया है उत्थान चारणम, क्या दिया है, उत्थान चारणम, तो ये क्या बना, उच्चारणम, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका उच्चारण बना, ये उत्थान चारणम तावचार चच, तो यहां पर आ गया आधा चार चार चुच। फिर सद्धन जना, तो ये देखिए ता ब्रैकेट में दिया है द धन ज ज,
उद्धन ज्वलम, जैसे मैंने बताया था द धन ज जज उज्ज्वलम, ठीक है ना, ये वाला शब्द। इसी प्रकार जगत धन जननी, यहाँ भी देखिए आप तावदा, यहाँ भी तावदा, यहाँ भी तावदा, तो ये धन जा जिज, तो यहाँ आएगा जग जगत जननी, ठीक है, इस प्रकार से। और आपको ये जो उदाहरण है ये बहुत अच्छे से पढ़ने तो भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद है शुटुत्व शुटुना शुटु, ठीक है। अब यदि यदि सा या ता वर्ग का, शा या टा वर्ग क्या, टा ठ ड ढ तथा ण के साथ आगे या पीछे योग हो, तो जो ये समोते वाला जो सा है इसका षटकोण वाला जो शा और ता वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ट यानी टा वर्ग हो जाएगा। उदाहरण समझे, सा वर्ग का पहले आएगा शा वर्ग, रामस्य धन षष्ठा, इसमें देखिए सा और शा मिला षष्ठ, तो राम रामस्य षष्ठा ये आएगा शब्द बना। हरिस धन टीकते सा धन ट षष्ठ हरिस टीकते बनेगा। अब यहाँ पर देखिए टावर का टावर बना, उदाहरण देखें तब धन टीका, तो यहाँ देखिए टावर टा है तो टट बना, तो यहाँ पर टट टीका आएगा। फिर यद धन टीका टावर टा है टट तो यट्टी का आएगा। उत धन डायनम, तो यहाँ देखिए ताव दा धन डो डड तो उत डायनम ये बना शब्द, ठीक है। आकृष धन ताव तो श्रा धन ता, ठीक है ना, षट तो आकृष्ट, ये शब्द यहाँ पर आपको ये उदाहरण दिए हुए हैं। फिर है जश्वत्व झलाम जशोन अंते, पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जश हो जाता है, झल के स्थान पर जश। झलों में वर्ग का देखिए प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर वर्ण तथा शा शा सा तथा हा कुल 24 वर्ण आते हैं। इस तरह झल के स्थान पर जश, जश माने ज बा ग ड द, ठीक है ना, होता है। वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण ही आता है, जैसे शा शा सा हा में शा के स्थान पर क्या जाएगा, ड। अन्य का उदाहरण प्राय मिलता नहीं है। आप इसमें उदाहरण समझिए, जैसे उदाहरण ये दिया हुआ है बाक धन ईशा, यहाँ का धन स्वर बराबर तृतीय वर्ण क्या है, गा धन स्वर, तो यहाँ पर क्या जाएगा, वागीशः, ठीक, तो ये हुआ। अब इसमें दिया है जगत धन ईशा, तो ये क्या है, का धन यहाँ स्वर, तो तृतीय वर्ण क्या है, ग है ना स्वर, तो यहाँ पर क्या बना, जगदीशः। सुप धन अंत, देखिए यहाँ दिया है पा धन स्वर, तृतीय वर्ण व धन स्वर सुबंता। अच धन अंत चा धन स्वर, तृतीय वर्ण जा धन स्वर अजंता। दिग धन अंबरा का धन स्वर, तृतीय वर्ण क्या, गा, का था गा गा है ना, तो स्वर दिगंबरा बना। दिग धन गजा का धन गा गग, दिग गजा बना। फिर सद्धन धर्म का धन ध बराबर ध, तो सधर्म बना। अप धन जम पा धन जा वज, तो अप जम बना। चित धन रूपम, देखिए यहाँ पर ता और रा, तो क्या बना, द्र, तो चिद्रूपम बना, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये जो शब्द दिए हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से परीक्षा के लिए तैयार करना है। फिर है चत्व खरीच, यदि वर्गों का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग और पा वर्ग के द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण या शा शा सा आए, तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। अब उदाहरण से समझेंगे आप, जैसे ये दिया है सद्धन कारह, तो यहाँ पर क्या है, द और काज, हलंत वाले जो शब्द है वो आधे होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, तक, तो क्या है यहाँ, यहाँ पर सत्कारह। लब धन सहते, तो देखिए यहाँ पर धा है और सा और क्या आएगा, प्लस है ना, प्लस, तो लपस्यते, लपस, तो यहाँ आया ना ये शब्द, यहाँ बन गया लपस्य,
इस प्रकार देख पाला जैसे हमने अभी आप ऊपर का समझाया लगधन सहते भाधन सा है ना, फिर इसमें क्या आएगा पस लपस्यते, ठीक है। अब दिक धन पाला ग धन पा क है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा दिक पाला, दिक पाला। अब यहाँ देखिए अनुस्वार मु नु स्वारा है, यदि किसी पद के अंत में माँ हो उसके बाद कोई व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार बुलाता है। आप देखिए ऊपर लिखा है बिंदु लगी हुई है, उदाहरण समझिए, जैसे यदि हरिम बंदे तो यहाँ पे ऊपर देखिए ना हरिम में क्या लगी बिंदी लगी है, तो ये अनुस्वार जो है ये बिंदी जो है अनुस्वार है ना, इसमें लिखा अनुस्वार बुलाता तो ये हरिम बंदे हो जाएगा। अहम धम गच्छामि तो देखिए यहाँ पर भी आ जाएगा अहम लिखा ना गच्छामि, अनुस्वार के बाद यदि कोई भी वर्ण व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे आने वाले वर्ण वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण आता है। यह नियम पदांत में कभी नहीं भी मतलब कभी नहीं भी लगता है, मतलब कभी लगता कभी नहीं भी लगता। अब देखिए पदांत में से संस्कृतम पठती, संस्कृतम पठती, ठीक है ना, संस्कृतम, अब इसमें देखिए लग लगा है ना, अब इसमें क्या लिखा संस्कृतम पठती ऐसा भी लिखा है, अलग अलग लिखा है। आप देखिए यहाँ पर जैसे दिया है पहला अम धन पिता, तो यहाँ जो दिया है स्वर ये का तो क्या आएगा ड्यू अंग पिता, अंग दिया ना अंग, तो यहाँ पे क्या आ रहा है अंग पिता। फिर संग धन कल्प तो यहाँ देखिए लगा है क तो क्या आएगा संग, तो क्या यहाँ पे क्या है अंग, तो संकल्प। फिर कुम धन ठिता ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ठार ये लिखा ना ठो कुन उच्चारण आ रहा है ना कुन है ना, तो कुंठ, तो क्या यहाँ पे क्या जब ये लगेगा तो यहाँ बन जाएगा कुंठिता है ना, तो ठो अंग धन चिता। अब यहाँ भी देखिए ऊपर लगा उसके बाद च तो क्या आएगा चुन, तो अन चन है ना, तो अनचिता ये शब्द बना। तो इस प्रकार से जो हमने अभी आपको समझाया है ना, तो अंग अंग है ना अंट फिर अंच, इस प्रकार के जो शब्द बने यहाँ पर अंकता संकल्प कुंठिता और अंचिता ये शब्द पूरे कंप्लीट हुए। आप चलिए फिर है लत्व है ना तोरी, यदि ता वर्ग के बाद ला आए तो ता वर्ग के वर्णों का क्या हो जाता है ला हो जाता है, किंतु ना के बाद ला के आने पर अनुनासिक ला ला का अनुनासिक के चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है। उदाहरण समझिए जैसे यहाँ पर दिया उद्धन लंघना, तो यहाँ पर देखिए ता का ता धन ला बराबर ल, तो उल्लंघन उल लल है ना उल्लंघनम बना, क्या शब्द बना उल्लंघना। तद धन लीना तो ता धन ल रन है ना ये शब्द, तो क्या बना तल लीना, ये शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं उल्लिखता उद्धन लिखता, तो ता का क्या ला है ना ल उल्लिखता ये शब्द आया, उद्धन लेखा ता धन ल लल उल्लेखा। अब यहाँ देखिए महान धन लाभ, तो ना का क्या है ला लल, तो महान लाभ महान लाभ। विद्वान धन लिखति ना धन ला लल, तो क्या यहाँ पर आ जाएगा विद्वान लिखति ठीक है ना, तो इस प्रकार से विद्वान लिखति इस प्रकार ये शब्द बने जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप है देखिए यहाँ पर छत्व शत छोटी, यदि शा के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर वर्ण हो जैसे र ल व अथवा हा हो तो जो शा है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा छा ठीक है हो जाता है। उदाहरण समझिए एतद् धन शोभनम, तो यहाँ पर ता के स्थान पे क्या शा चच है ना चच, तो एतद् शोभनम हो जाएगा, क्या हुआ एतद् शोभनम। तद् धन श्रुत्वा तो ता का शा चच तो तत् श्रुत्वा हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए चा का आगम है तो छे और च, यदि हस्व के पश्चात छा आए तो छा के पूर्व चा का आगम
देखिए उदाहरण समझिए, जैसे ये दिया है तर धन छाया, ठीक है, उधन छ बराबर उधन छ धन छ, तो ये क्या बन गया तरु छाया, ठीक, अनुच्छेद उधन छ बराबर उधन चा धन छ, तो क्या बन गया अनुच्छेद। अब इसी प्रकार देखिए परिधन छेद, तो अब यहाँ पर चूंकि ई की मात्रा थी, यहाँ पे क्या आएगा ई धन छ बराबर ई धन चा धन छ, तो ये क्या बन गया परिच्छेद। चलिए रा का लोप तथा पुरुष वर्ग का दीर्घ होना रो री उदाहरण, यदि रा के बाद र हो तो पहले रा का लोप हो जाता है तथा उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है, उदाहरण स्वरधन राज्यम र धन र फिर बराबर अधन र, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्वराज्यम, ठीक है ना, फिर निर्धन रोग, देखिए रा ये भी रा है, यहाँ भी रा है, यहाँ भी रा है, ये भी रा, रा धन रा तो ई धन र, यहाँ पर क्या आ जाएगा निरोग, निर्धन रस, अब यहाँ भी रा रा तो रा रा बराबर ई धन र, तो यहाँ पर क्या आएगा निरस। अब ना का नण होना, ठीक है, यदि एक ही पद में रू र या शा के पश्चात ना आए तो ना का क्या हो जाएगा ण हो जाता है, उदाहरण समझिए कृष्ण विष्णु स्वर्ण वर्ण इत्यादि, अर्थात अट अर्थात अ अ इ इ उ उ रु ए ओ ए औ ह या व का वर्ण पावर आम तथा नुम, इन वर्णों के व्यवधान में भी यणत्व विधि प्रवृत्त हो जाती है, उदाहरण जैसे नराधन नाम है ना, यहाँ पे क्या जाएगा नराणाम, ऋषि धन नाम तो ऋषिणाम, इस प्रकार। आप देखिए समुचित संधि विच्छेदम रूपम पूर्यत जैसे दिया है इसमें कि आपको करना है तो दिगंबरा, अब इसमें दिगंबरा में अंबर तो दिया है, अब इसमें दो ऑप्शन दिया आपको दिग्ध दिया है और एक दिया है दिग, तो अब इसका जो सही वर्ण क्या है, तो देखिए यहाँ पर उत्तर है पहले का क्या आएगा दिग दिग धन अंबरा, दूसरा है मच्छिरा, अब यहाँ मत दिया है तो सही शब्द क्या आएगा है ना छिरा आएगा कि शिरा, तो यहाँ पर आएगा शिरा, फिर जगदीशा, अब जगत धन जगत दिया जगत दिया, सही शब्द क्या आएगा जगद्धन ईशा, आयम धन गच्छति आयम दिया है और आयम दिया है, तो जो सही शब्द होगा वो क्या होगा आयम, निरोग अभी हमने पढ़ाया तो निर्धन और इसमें शब्द में क्या आएगा रोगा शब्द है तो निर आएगा क्या नीर आएगा तो क्या आएगा निर, ठीक है, तल्लीना तद धन लीना है आप लोगों को याद होगा, तो यहाँ पर क्या होगा तद धन लीना शब्द, इस प्रकार से इसको पूरा कंप्लीट करके कॉपी में आपको लिखना है। चलिए समुचित संधि पदम चित्वा लिखा, अब इसमें भी देखिए आपको सही लिखना है, अब इसमें दो दिया है विग्रह दिया है सत धन जना, तो क्या बनेगा यहाँ पर शब्द आएगा सज्जना आएगा कि सत जना आएगा, तो देखिए उत्तर है इसमें आएगा सज्जना, दूसरा तत् धन श्रुत्वा तो तत् श्रुत्वा कि तत् श्रुत्वा क्या सही शब्द है तो यह आएगा तत् श्रुत्वा, ठीक है, फिर विद्वान धन लिखती तो क्या आएगा विद्वान लिखती, अब भी मैंने आप शब्द आपको पढ़ाया कौन सा शब्द आएगा है विद्वान लिखती है ना, इस प्रकार से फिर समधन कल्प संकल्प या संकल्प सही शब्द क्या आएगा तो ये आएगा संकल्प, उत्तधन लेखा उल्लेखा या उच्च लेखा तो अभी हमने आपको पढ़ाया ये आएगा उल्लेखा, इस प्रकार से इसको पूरा तैयार करके और लिखना है। आप देखिए यहाँ पर दिया अधोलेखतेषु वाक्येषु स्थूल पदानाम यथापेक्षं संधि अथवा संधि है, या तो संधि करना है या संधि विच्छेद करके इसमें लिखना है, तो जो बड़ा मतलब जो स्थूल जैसे दिया है जगत शिवानी है ना, तो यहाँ पर देखिए उत्तर क्या आएगा जगत धन शिवानी, फिर इसमें दूसरा क्या दिया है उद्धन लिखतम, ये विग्रह शब्द पूरा क्या बनेगा उल्लिखतम, ठीक, फिर तीसरा में दिया है निरोगा ये स्थूल शब्द है तो इसकी विग्रह करना है तो निर्धन रोगा आएगा, ठीक, फिर इसके बाद है कोकला पम धन चमे स्वरे गायती तो क्या आएगा पंच धन चमे पंचमे ये शब्द बनेगा यहाँ पर, ठीक, इसके बाद तरु छायायाम तो इसमें विग्रह क्या होगा तरु धन छायायाम ये शब्द का, फिर है माननम है ना मानम मानम का क्या आएगा मानम न, ये दिया ना मानम धन न, इस
प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पर व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के जो भी उसमें प्रकार दिए हैं, जो भी उदाहरण, वो सब मैंने आपको पढ़ाए। और बच्चों आप लोग कॉपी में लिखिए, जैसे कि मैंने बार बार कहा, संधि में या तो विग्रह पूछा जाता है या विग्रह दिया जाता है, तो उसको आपको जोड़ना रहता है। तो आप इस प्रकार से उसके जो प्रश्न उत्तर हैं, जो उसके उदाहरण हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, बच्चों आप खूब अच्छे से उनको कॉपी में लिखिए, रजिस्टर में, और याद भी करते जाए। धन्यवाद बच्चों।